की सभाओं में के शादी कर लो हम खाना कर देंगे, और कुछ लोग ताली बजाते हैं और खीखी खीखी हंसते हैं। शादी को लेकर दिव्या मदेरणा का बड़ा खुलासा, आखिर क्यों शादी नहीं कर रही दिव्या मदेरणा? ओसिया विधायक की जिंदगी से जुड़ा बड़ा खुलासा, खुद बताया क्यों नहीं चाहती है शादी करना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कांग्रेस के तेज तर्रार नेत्री और राजस्थान के ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा के नाम को किसी परिचय की आज जरूरत नहीं है। उनके बोलने का तरीका, विपक्षियों पर उनके वार करते वक्त तल्ख तेवर, ये वही खूबियां हैं जो मदेरणा को अलग नेताओं से अलग बनाती हैं। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता, कई बार व्यक्तिगत मुद्दों को जनता के सामने मंच पर उछाला जाता है। दिव्या मदेरणा की तेज तर्रार छवि कई लोगों की आंखों में भी खटकती है, और यही कारण है कि राजनीति में दिव्या मदेरणा के कई दुश्मन भी हैं। आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल को अक्सर आपने दिव्या मदेरणा के खिलाफ बयानबाजी करते हुए सुना होगा। अक्सर मंच से बेनीवाल मदेरणा को ललकारते रहते हैं। हाल ही में अपनी संकल्प यात्रा को लेकर ओसिया पहुंचे हनुमान बेनीवाल ने पूरे मदेरणा परिवार पर निशाना साधा था, जिसके बाद दिव्या मदेरणा ने उन्हें चुनौती भी दी थी कि ये सलाह भी है और उनके परिवार के बारे में अगर हनुमान बेनीवाल अनर्गल बातें ना करें तो उनके लिए ठीक रहेगा। इसके बाद भी बेनीवाल अपनी हरकतों से हालांकि बाज नहीं आए थे। उन्होंने एक सभा में व्यक्तिगत हमला करते हुए दिव्या मदेरणा से कहा था कि अब वो अपनी शादी कर ले, राजनीति नहीं बल्कि अपनी शादी कर निजी जीवन पर ध्यान दे। बस इसी बयान के बाद से बेनीवाल ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। 39 साल की दिव्या मदेरणा ने अभी तक शादी नहीं की। साल 2018 में पहली बार दिव्या ने ओसिया से चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में उन्हें सफलता मिली। दिव्या एक युवा नेत्री है, उनका परिवार भी राजनीति से जुड़ा हुआ है। एक वक्त था जब मदेरणा परिवार की राजस्थान में तूती बोला करती थी। उनके पिता महिपाल मदेरणा राजस्थान कांग्रेस की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। एक समय में महिपाल राज्य के प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते थे। ओसिया से विधायक दिव्या एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। अपने नामांकन से पहले दिव्या मदेरणा हाथों में फूल लिए जोधपुर जिला कारागार पहुंची। दिव्या के पिता महिपाल मदेरणा प्रदेश के बहुचर्चित भवरी देवी हत्याकांड में साल 2011 में जेल में थे। वे 10 साल तक जेल में ही रहे। यही उन्हें कैंसर हो गया जो फोर्थ स्टेज में पहुंच गया था। 2021 में उन्हें इलाज के लिए जमानत मिली, हालांकि वे कैंसर से जंग हार गए। नामांकन से पहले यहां पहुंचकर दिव्या मदेरणा ने अपने पिता को पुष्पांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने अपने पिता के साथ एक भावुक पोस्ट भी शेयर किया। उन्होंने लिखा, मैंने 10 साल अपने जीवन के यहाँ पर सजदे किए हैं। मेरी राजनीतिक पैदाइश इस दर्द और वेदना से हुई है। क्रुदन और विरह जो नियति ने मेरे भाग्य में लिखा, वहीं से मेरे राजनीतिक संघर्ष का आगाज हुआ। इस अभिशाप के साथ नियति ने मुझे फौलाद के सलाखों से दोस्ताना कराया, और उन सलाखों ने एक बेटी का किसी भी परिस्थिति में ना टूटने वाला हौसला देख वरदान दिया, निडरता का, साहस का, शक्ति का, अनवरत चलने का और फौलाद की तरह तटस्थ रहने का। सार्वजनिक जीवन में ये निडरता मिल जाए तो कर्तव्य पथ पर हमेशा अभिजीत है, क्योंकि मूल्यों की राजनीति ही असली और अंतिम विजय है। दिव्या मदेरणा के इस पोस्ट से सभी भावुक हो गए, लेकिन दिव्या मदेरणा अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। इसके बाद उन्होंने हनुमान बेनीवाल के उस ओछे सवाल का जवाब दिया जिसमें बेनीवाल ने मदेरणा की शादी के बारे में पूछा था। उन्होंने कहा, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, इस बात पर कुछ लोग हंसते हैं, मैंने बहुत सुना, कभी जवाब नहीं दिया, आज जवाब देना चाहती हूँ। सोचिए, एक पिता जेल की सलाखों में है तो बेटी कैसे शादी कर सकती है? मेरे पिता कैसे जेल में करवट बदलते होंगे, उनका दिन कैसे कटता होगा? ऐसे में बेटी को शादी करना कैसे रास आ सकता है? मेरे हाथों में शादी की लकीरें नहीं, सेंट्रल जेल की लकीरें थी। मेरे लिए शादी नहीं, पिता की सेवा करना पहला फर्ज था। दिव्या मदेरणा ने न सिर्फ हनुमान बेनीवाल को मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि ऐसे लोगों का मुंह भी बंद करा दिया जो राजनीति में व्यक्तिगत हमले करते हैं। मदेरणा के इस अंदाज पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। ओसिया की सभाओं में के शादी कर लो हम खाना कर देंगे, और कुछ लोग ताली बजाते हैं और खीखी खीखी हंसते हैं। मैंने सुना लेकिन कभी जवाब नहीं दिया, आज देने आई हूं। 2011 से आज 2023 में आज देने आई हूं। निम्नस्तर के जो प्रहार करते हैं, अरे जरा सोच कर देखिए कि आप जेल की सलाखों में हो और आपकी बेटी बाहर शादी मना रही हो। मेरे पिता और मेरे पिता के दर्द और उनके प्रति सेवा मेरा सबसे पहला कर्तव्य है, और मेरे पिता जब दर्द और विरह के अंदर कैसे करवट बदलते होंगे, कैसे एक दिन
निकलता होगा, कैसे एक रात निकलती होगी, तो उस बेटी को बाहर शादी करना शोभा नहीं देता। मेरे भाग्य की लकीरों में नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे भाग्य की लकीरों में सेंट्रल जेल लिखी थी, जिसके 10 साल मैंने फेरे किए हैं, 10 साल मैंने फेरे किए हैं, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था। मुझे चुनौती देने वाले अपने गिरबान में झांक कर देखें। शेरनी की तरह चुनाव लड़ूंगी। राजनीति के किसान सूरमाओं की बेटी हूं, महिपाल मदेना की बेटी हूं, शेरों की बेटी शेरनियाई होंगी। शेर प्रतीकात्मक किस चीज का होता है? मुझे बड़ी हंसी आई जब उन्होंने कहा कि जंगल भेज दो, निम्न से निम्न स्तर का प्रहार किया। शेरनी का अर्थात, शेर का अर्थात प्रतीकात्मक होता है बहादुरी, साहस, निडरता, शक्ति स्वरूप, गर्व, आत्मविश्वास, ये शेर के प्रतीकात्मक हैं। हम कहते हैं अपने बच्चे को, अरे क्या कर रहे भाई, क्या रो रहा है, शेर से बहादुर बन। थोड़ा सा कुछ ज्यादा कोई रौब करता है, जैसे मैं करती हूं विधानसभा में, तो क्या इतनी क्यों शेर हो रही है? वो मुझे समझ ही नहीं आता कि आज की इस आधुनिक युग के अंदर भी क्या इतनी कुंठित मानसिकता हो सकती है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, उसमें भी 4 शेर हैं, 4 शेर। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अशोक स्तंभ के वो 4 शेर जो साहस, शक्ति स्वरूप, गर्व और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं, क्या उनके लिए भी आप ऐसी राय रखते हैं? क्या उन्हें भी जंगल में भेजना चाहते हैं? जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, एक शेरनी, अभी ये नारे बोल रहे थे तो मैंने भी एक नारा लिखा, एक शेरनी लड़े ओसियाली लड़ाई रे, एक शेरनी लड़े ओसियाली लड़ाई रे, चलो आपा भी दे बिरा साथ रे। शेरनी भूखी है, शेरनी प्यासी है, शेरनी को जंगल में भेजो। शेरनी शेर के साथ ही रहती है, खी की खी वहां भेजो। अपनी बेटियों के लिए भी बोलते हो क्या ये? ना मैं भूखी हूं, ना मैं प्यासी हूं, मैं पैदाइश से तृप्त हूं, कोई तृष्णा नहीं है मुझे। और यही कारण है, इसी तृप्ति के कारण मेरे आसिया को नीलाम नहीं होने दिया या भ्रष्टाचार।